ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, 10:58 हो गए, ऑलमोस्ट समझे 11 ही बज गए, और तरबेला से अब हम चल रहे हैं भट साहब के पास, ज़बरदस्त किस्म का बिरयानी वगैरह खा के बिल्कुल रेडी हो के। तरबेला से अब हम निकल रहे हैं लाहौर के लिए। पहले प्लान था इधर तरबेला रुकने का, लेकिन प्लान चेंज हुआ, अब हम तरबेला से लाहौर के लिए निकल रहे हैं। अरमश साहब का कहना ये है कि जीटी रोड से चले, बड़ा अरसा हो गया जीटी रोड नहीं देखा, जीटी रोड से हम लोग नहीं गए। तो मैंने इनको कहा कि मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मोटरवे वालों से पता करा किया, उन्होंने कहा जी अभी तक तो मोटरवेज ओपन है, M2 ओपन है अभी तक, तो वो ये कह रहे हैं। यहाँ से तो हम चलते हैं वही छच वाले टोल प्लाजा से, पहले मोटरवे M1 पर होंगे, देखते हैं M1 से फिर हम इस्लामाबाद, फिर वहाँ से डिसाइड करते हैं कि मोटरवे से जाएं या हम उससे जाएं जीटी से। भाई बातें करते करते मोटरवे M1 पर हम लोग एंटर हो चुके हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:20 और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और कोई पॉप शॉप कुछ भी नहीं है। हाँ, चलते हैं जी, लेट्स गो। ये लेफ्ट पे डीआई खान, आधा किलोमीटर बाद डीआई खान वाली मोटरवे, डीआई खान मियां वाली, जैसे यहाँ से अगर हम जाएं पहले तो डी आई खान, वैसे हम कोयटा भी जा सकते हैं ना, इधर यही जाते हैं डी आई खान से आप 292 किलोमीटर कह रहे हैं। डी आई खान मियां वाली, ये जो है लेफ्ट को ये उस साइड जाएगी जी, अकला जारिक वाली जो डी आई खान के उधर निकालेगी, वहाँ से फिर आप होकर और कोयटा और चले जाएंगे, और कोयटा से फिर आप कराची जा सकते हैं। 11:49 और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं हम लोग। इस्लामाबाद वाला है? हाँ जी, इस्लामाबाद। कितने ऊंचे ऊंचे ये इन्होंने बना दिए हैं। ₹90 टोल यहाँ पर दिया है, हमारा डिडक्ट हुआ है और हम लोग M1 पहुँच गए। अब चलते हैं यहाँ से आगे लेह लद्दाख 759 श्रीनगर 626 326 सॉरी लेह लद्दाख चलें, जाने देते हैं वो क्या करना है, बस नीचे से चलते हैं और क्या, जीटी चले जी, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जीडी रोड, रात की गाड़ियां कर और पेशावर मोड़ से होते हुए अब हम चलते हैं घूमते घूमते जीटी से। और ये आ गया है जी मोस्ट फेमस पेशावर मोड़। अब ये नहीं मुझे पता, काफ़ी अरसा हो गया इधर से आए नहीं, आगे से इन्होंने रास्ता बनाया है कोई, पहले तो एक इन्होंने बनाया था पिंडी जाने के लिए, ये सीधा मरी जाता है ना सीधा, हाँ आपको मरी निकाल देगा। ये थोड़ा पेशावर की तरफ जाना पड़ता है, ऐसे आप लेफ्ट होते हैं और फिर आगे यू टर्न दिया हुआ है, वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ता है। अब ये पता नहीं है कि रास्ता कोई बनाया कि नहीं बनाया, पहले तो एक था वो बहुत बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे था, सामने ट्रैफिक से बचना पड़ता था, और उसके बाद वो जो बस का अड्डा है ना उसमें घुस के और वहाँ से निकलते थे आप, अजीब बेतुका वो था, तो बेहतर यही रहता था यूँ जाके और घूम के आ जाऊँ, सेफ साइड यही रहता था। ये सीधा जा रहा है वापस टैक्सला और तरबेला और बेलावली साइड ना जी, ग्रैंड ट्रंक रोड पर हम लोग आ चुके हैं, जीटी रोड पर, जीटी रोड पर अब इस जीटी रोड से हम जाएंगे लाहौर, यहाँ से करते हैं यू टर्न किधर है आगे, पहले तो इधर ही था, नहीं वो है ना आगे, अच्छा है 200 मीटर बाद है, जीटी पे यही होते हैं, फिर आपको मैसेज आएगा और MBS has finished, क्या मसला है
जी टी रोड से हम लोग जा रहे हैं और बहुत टाइम हो गया जी टी से नहीं गए, चेंजिंग देखते हैं बिल्कुल मजे से। हाँ क्या क्या चेंजिंग हुई है, कैसा कैसा सब कुछ बना है, जल्दी नहीं है जिंदगी का एक हिस्सा रोड पर ही गुजारना है, आराम से चल रहा है और एक्सट्रीम राइट लेन में। यहाँ ये है डाइवो का, और डाइवो का भी डाइवो एक्सप्रेस। हमीद को इधर से याद है वो उसके दोस्तों के हवाले कर रहा था, जी जी जी, फिर यहाँ से ली थी, पिछले साल की बात है। भिंडी वेस्टरिज से हम गुजर रहे हैं, वेस्टरिज के बाहर से रौनक है यार। देखो अभी 12 बजे भी सर्दी का वो जोर नहीं रहा ना, या हमें नहीं लग रहा, या वैसे भी वो अभी नोबी दानिश भी कह रहे थे कि वो जोर नहीं है ना। अच्छा देखो ये मैकडोनल्ड्स इधर भी बन गया, पहले नहीं होता था। नहीं तो काफी चेंजिंग आती जा रही है, चेंजिंग बहुत आती जा रही है, बहुत डेवलप हो रहा है। अब आगे देखते हैं और क्या वो आती है। जा भिंडी घूमे रात को 12 बजे, आप भी भिंडी घूमे 12 बजे, हम भी घूम रहे हैं। अंग्रेज साइड पर जा भाई, बस वो राइट पर चल रहा है, अपना मोबाइल देखता जा रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, गाड़ी चला रहा है व्हाट्सएप देख रहा है। ये लेफ्ट पे वेस्टेज है शायद, है ना। हाँ ये आ गया जी पिंडी का, कौन सा का नाम था, माल रोड। और ये जहाँ सारी फार्मेसी वगैरह, फार्मेसीज वगैरह हैं सारी, काफी पीआई ऑफिस भी ये है पुराना, ये लेफ्ट पे जी। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, कश्मीरी चाय तो नहीं पीनी सदर वाली, नहीं नहीं लाहौर में भी जो आए हैं, डीएचए में सेंट्रल पे खुल गया है अभी ना, नया अभी अभी बना है सेंट्रल, इतना डेवलप हो गया हर चीज आ गई है सेंट्रल पे। पहले कहाँ जब हम जाते थे तो एक वो मैकडॉनल्ड्स होता था और एक शायद वो केएफसी वो घिसा पिटा सा बस, डीएचए में और हाँ क्या था, सेंट्रल कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा जंगल होता था, दिल घबराता था, बैरिया बहुत अच्छा था अंदर। तो अब पंप खुल गए हैं डीएचए के, पेट्रोल पंप्स वगैरह, अच्छा। उनके पेट्रोल बहुत अच्छे हैं, अच्छा जी, अब तो सारे वहीं से डालते हैं। पीसी की लाइटें वाइटें जरा इधर भी पंप है ना, एक पंच सड़की हाँ, उसका शेल कैसा है फ्यूल, शेल के उस पे एवरेज नहीं आते मजे के, शेल ऐसे ही है फारिग। चौक पे कचहरी चौक, हाँ खुला है बत्ती इधर की तो नहीं जल रही है, बाकी गाड़ियां निकल रही है। ये कचहरी चौक कहलाता है ना, इधर से कचहरी बड़ा जाते थे वो, ये कचहरी है ना, जिला कचहरी जो कहलाती है, ये है ना लेफ्ट पे, अच्छा हाँ ये कचहरी है जी। और यहाँ से सीधा पुराना, यानी इसका नाम है झेलम रोड, जीटी रोड जो है इधर, घरों के जो पुराने जो घर है ना उनकी प्लेट्स पे झेलम रोड, अच्छा क्योंकि यही सीधा अब आपको झेलम और लाहौर यही लेकर जा रहा है। ये आ गया है अयूब नेशनल पार्क, लेफ्ट पे अयूब पार्क है ये। काफी यार चेंजिंग होती जा रही है उस्ताद। हाँ वो गिर भी तो गया था, ब्रिज कोई था ना नया बनाया था, ये नया वाला है कुछ, ये तो बहुत चौड़ा कर दिया है इन्होंने। हाँ ये वो नया बनाया है ना, पुराने वाले को आप बराबर कर रहे होंगे इसके लेवल में। हाँ जी ये देखो ये कोई रोड निकाली है भाई, ये देखो आप राइट को, ये देख रहे हो ये घूम के जो आ रही ये है, ये कहाँ से आ रही है रोड, ये ऊपर से आ रही होगी डीएचए से या उधर से, ये तो पहले नहीं थी, पहले नहीं थी ना, ये ब्रिज था इस समय, ये ऊपर को उसको जा रहा है रास्ता। गुलरेज और इस तरफ कार चौक को मर्सिडीज लगी हुई है, ये समा ब्रिज आ गया, ये भी बहुत चौड़ा कर दिया। हाँ वो भी कर दिया, एक ऊंचा है एक नीचा है, चौड़ा हो गया ये, चौड़ा हो गया लेकिन हाँ काम चल रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ नया रास्ता है फौजी फाउंडेशन के इधर से घुमा के जो इन्होंने निकाला है, तो अभी यहाँ तो पहले अंधेरा होता था, कुछ भी नहीं होता था बिल्कुल। ये अभी तुम अपने दोस्तों से पूछना ये कौन सा रास्ता निकला, ये यहाँ से
उमक टाउन से हाला जो लिखा हुआ है, ये आपको कश्मीर लेकर जाएगा। ये यहाँ से होता हुआ कहुटा से होता हुआ रावला कोट, और रावला कोट आपको ले जाएगा। रावला कोट से फिर आपकी मर्जी है बाघ जाएं या इस तरफ जाएं। ये अमेजोन मॉल बना हुआ है जो इमारत उसमें था, बन रहा था ये अमेजोन। अच्छा इधर बारबेक्यू टुनाइट होता था, है के होता नहीं अलहयात क्रॉप मीरस, ये है ना अमेजोन। हाँ जी ये अमेजोन मॉल बना हुआ है। ओल्ड बुक सप्लायर टीएनके धमाका, तो धमाका वाले फ्रोबेल्स है स्कूल की जगह, वैसी की वैसी ही है अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। साइकिल मोटर्स ये आ गया इधर। हाँ जी ये जो है ना साइकिल मोटर स्पोर्ट्स ये यहाँ आया है। ठीक है फुटाइल इधर है। सबवे चला गया यहाँ से, सबवे चला गया। रशीद स्वीट्स एंड बेकर्स आ गया है। अच्छा ये रूम साइड भी वो है, इधर बैंक्स वगैरह भी है ना। वो दानिश होता था वो दुमची वाला, दानिश दुमची वाला। हां स्टार स्कूल मैरी गोल्ड, इधर भी बैंक शैंक का ये गीगा वाली साइड डीएचएफ फेज 2 से आप पूरी तरह से वेदर क्लियर हो तो ये वो अटक का पंप आ गया। ये क्या क्या है इंटरनेशनल्स, ये देखें ना बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। ये वो अपना लिग्नम कितना छोटा लगता है इसके बराबर में, ये देखें इसके ऊपर ये काम हो रहा है। ये डीएचए का गेट आ गया, वाओ वो देखें ना कितनी ऊंची है। ये वीडियो बन रही है ना, वीडियो में फिर हो जाएगा। ये वो डिफेंस रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स आ गए, और पीस से भी ऊपर होगी तो ये इतने ज़्यादा फ्लैट्स बन गए। लिग्नम देखें, लिग्नम पहले बड़ा होता था लेकिन बिल्कुल बच्चा लग रहा है लिग्नम इसके आगे। क्या बात है भाई। और ये इस तरह ना दो तीन गोल्ड करके कुछ नाम है इसका, दो तीन वो बन रहे हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बन गए हैं। इमारत रेजिडेंसी इन बाय मैरियट, ये मैरियट का कुछ बन रहा है, ये मैरियट का कुछ बन रहा है इधर। बहुत बहुत बड़ा बन रहा है ये भी, इमारत करके कुछ होटल होगा या इस तरह से कुछ होगा। ये भी एक होटल बन गया, होटल एंड अपार्टमेंट्स, गुलाम होटल एंड अपार्टमेंट्स। ये गेट 3 भी चेंज करा है इन्होंने ना, ये भी कुछ बन रहा है बड़ा। ये देखा गेट 3 देखा लेफ्ट पे, बहुत बड़ा, कितना बड़ा। ओहो बहुत चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। ये वो गीगा मॉल आ गया, गीगा मॉल में बड़ी लाइट साइट्स लगाई हुई हैं। ये कोई जेटा मॉल बन गया है देखें जी राइट पे, जेटा मॉल। वाओ क्या बात है भाई। ये वो पीएसओ आ गया। अभी हो रहे हैं 12:46 और हम लोग मौजूद हैं गीगा मॉल के सामने। ये कोई जेटा मॉल भी यहाँ पे बन रहा है, और गीगा मॉल के सामने इस पीएसओ पेट्रोल पंप पे हम लोग मौजूद हैं, और इधर से पेट्रोल करते हैं फिल। वैसे तो था गाड़ी में लेकिन फिर भी डाल लेते हैं, और फिर यहीं से इस तरफ लाहौर का सफ़र शुरू करेंगे। जितना आता है मैं दिखाता हूँ फिर। ये आ गया पेट्रोल 3600 का, 13.84 लीटर। ये लीजिएगा